हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज ये वीडियो में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ड्राइवर सीट में तो आपका जो सीट बेल्ट मिलता है तो उसमें वार्निंग मिलता है साउंड का, तो उसमें आप लोग लगा लेते हैं सीट बेल्ट। अरे जब मैं आपको एलेक्सा में भी आपको सीट बेल्ट मिल जाते हैं रियर सीट में, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि वो भी लगाइए, क्योंकि कई लोग देखिए आप मतलब सीट के नीचे दब जाता है जो सीट बेल्ट है, तो लोगों को पता भी नहीं चलता है कि सीट बेल्ट है नहीं है, और कुछ लोग ध्यान भी नहीं देते। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप रियर सीट में जो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, अगर रियर में आपका पैसेंजर बैठे हैं या आपके फैमिली के पर्सन बैठे हैं। तो देखिए कैसे ये दिखता है और कैसे मिलता है आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए अभी आपको दिख भी नहीं रहोगे कि इसमें रियर सीट में सीट बेल्ट भी किधर है, क्योंकि कभी कई बार दब जाते हैं सीट के नीचे। तो आप यूज करना भी चाहते हैं तो यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, ये सीट को आप फोल्ड कीजिए, मतलब आगे कीजिए, और देखिए आपको ये मिल जाते हैं। आपको देखिए आपको ये सीट बेल्ट मिल जाते हैं, तो आपको इसको यूज करना है। तो यूज कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें कई कई बार ये पीछे छिपा रहता है, इधर भी तो सीट बेल्ट दिखता नहीं है। तो आपको ये जो इधर से बेल्ट दिया ना, इसको ऊपर करेंगे रिबन को, जो है ना बेल्ट वो आपका निकल जाता है। तो आप इधर से निकाल, उसी साइड में भी बता देता हूँ कहाँ पर छुपा रहता है। इस साइड में आपका ये छुपा है, तो आपको ये बेल्ट इधर से निकालना रहता है, तो ये सामने आ जाता है, और यहाँ पे आप कर लीजिए। और ये पीछे नहीं जो बीच का है वो कैसे आपको लगता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो देखिए आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये बता देता हूँ। तो इसमें देखिए एक जो हुक है ना, उसमें आपको सेंटर लिखा रहेगा, तो ये सेंटर के लिए हो गया। तो सेंटर के लिए आपका ये देखिए बेल्ट दिया गया है, तो जो भी बीच में जो भी पैसेंजर बैठ रहा है, चाहे बच्चा हो चाहे कोई हो, तो आपको ये सेंटर में आप ये यूज कर सकते हैं ऐसा जब भी आप बैठे। और जो आपका जो साइड के लिए है ना, देखिए साइड में आपका जो भी पैसेंजर बैठेंगे तो वो इधर लगा देंगे। आप देखिए साइड वाला है, दूसरे साइड वाला भी कैसे लगता है वो भी बता देता हूँ, आप लगा लीजिए। तो तीनों पैसेंजर आप सेफ आराम से बैठ सकते हैं। तो ये ही यूज करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग ट्रिप में अगर हाईवे में जा रहे हैं तो तीनों पैसेंजर आराम से यूज कर सकते हैं। और जो सीट आप हमने फोल्ड करी थी ना, उसको आप बराबर अपनी जगह पर बिठा दीजिए। जो सीट थी इसको यहाँ पे मैंने अपनी जगह पे फिर से लगा दिया हूँ, और ये जो सीट जो बेल्ट है ना उसको ऊपर करके रख दिया हूँ। तो आपके पूरे ये आपको देखिए सेंटर का ये हो गया, ये साइड का हो गया, और ये भी साइड का हो गया। तो ये हमेशा आप ऊपर रखिए, जिसमें आप कभी भी अगर लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हैं तो यूज कर सकते हैं। कैसे इसको लगाएंगे, अभी हमने तो बेल्ट लगा दी है, लेकिन इसमें कैसे आपको फंसाना रहता है, कई बार आप नीचे दब जाता है। तो देखिए इसमें एक ये जगह दी गई है, तो इसमें ये जो हुक दिया है ना, तो यहाँ पे ये बीचों बीच आ जाता है। तो जो आपका जो मतलब बेल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दबते नहीं है, तो ये आराम से फिट हो जाता है, और ये ऊपर आ जाते हैं। तो जब भी ऊपर आएगा ना, आप आराम से यूज कीजिए और सेफ रहिए, क्योंकि आप लॉन्ग ट्रिप में बोल नहीं सकते, हाईवे में जा रहे हैं तो आपको कभी भी कोई भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप बेल्ट लगाएंगे तो आप सेफ रहेंगे, क्योंकि इसका कोई इंडिकेशन नहीं मिलता। जैसे ड्राइवर सीट में आपको इंडिकेशन मिल जाते हैं, लेकिन ये रियर सीट में कोई इंडिकेशन नहीं आता, तो आप लापरवाही कर सकते हैं कि चलो कौन सीट बेल्ट लगाएगा। लेकिन आप लगा के रखिए, जो आपको हमेशा काम आएगा। बेल्ट कैसे लगता है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर सिंपली जो दिया है ना, लंबा है, तो मतलब आराम से आप लगा सकते हैं। तो ये अभी फिट हो गया, तो आप ऐसा बेल्ट लगा के बैठिए तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो आप ये साइड का हो गया, अभी मैं बीच का भी बता देता हूँ, बीच का भी कैसे लगता है। जो बीच का है ना, वो सिंपल रहता है, वो बीचों बीच ऐसा आपको लेना रहता है, और आपको यहाँ पर जो हुक दिया है यहाँ पर लगाना रहता है। तो ऐसा आप जो भी बच्चा बैठा है या आप कोई भी एडल्ट भी बैठा है, तो आप लगा के रख सकते हैं। साइड का तो आपने देख ही लिया कि आपको साइड में कैसे लगाते हैं, तो आपको लगा के रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप में या हाईवे में है ना, आप बोल नहीं सकते कब क्या हो जाए। तो आप अगर आप सीट बेल्ट लगाएंगे तो आप सेफ रहेंगे और अपनी फैमिली को भी सेफ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।